अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम फिर से जो है वो रिजल्ट के अबाउट डिस्कस करेंगे, बिकॉज कल जो है वेबसाइट नहीं ओपन हो रही थी, किसी को रिजल्ट नहीं शो हो रहा था, किसी का जो है वो CGPA अपडेट नहीं हुआ था, तो काफ़ी इशूज़ आ रहे थे बाद में भी। तो इसलिए मैंने सोचा एक और वीडियो बना दूँ, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स को स्टिल नहीं पता कि रिजल्ट अपडेट हुआ है या नहीं हुआ। तो गाइस, टाइम वेस्ट किए बिना जो है वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो कल की वीडियो में जो है वो स्टूडेंट ने काफ़ी क्वेश्चंस किए यहाँ पे, जो है उन्होंने कहा कि हमारा जो है वो LMS ओपन नहीं हो रहा, हमारा CGPA कम आया है, पहले ज़्यादा था, रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। मोस्टली लोगों ने यही कहा है कि हमारा LMS डाउन आया है, ठीक है, मतलब चल नहीं रही वेबसाइट। तो इस तरह के कुछ जो है उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आप सभी को इश्यूज आ रहे होंगे इस तरह के, स्टिल जो है वो काफ़ी लोग फेस कर रहे हैं, रात को भी नहीं जो है वेबसाइट चल रही थी। तो अभी चूँकि रिज़ल्ट अपडेट हो गया है और आप चेक कर सकते हैं रिज़ल्ट, तकरीबन सुबह से रिज़ल्ट जो है वेबसाइट सबके यहाँ चल रही है और सबका CGPA जो है वो कम्प्लीटली अपडेट हो गया है, ठीक है। तो आपका कंप्लीट CGPA भी अपडेट हो गया, आपका सेमेस्टर CGPA भी जो है वो पहले से अपलोड हो गया था, कुछ का थोड़ा वो चेंज भी हुआ है, और उसके बाद आपका जो इफेक्टिव CGPA था, ओवरऑल CGPA था, सबका सब जो है वो अपडेट हो चुका है। उसके साथ साथ जो है आपका सब्जेक्ट वाइज जो रिज़ल्ट आना था वो भी अपलोड हो गया है। तो आपका कंप्लीट रिज़ल्ट जो है वो आ चुका है। एंड फर्दर यहाँ पे इस वीडियो में जो मैंने कल रिज़ल्ट चेक किया था उसी को मैं अगेन से यहाँ पे आपको सामने शो करूँगी। तो ये देखें आप, कल हमने रिज़ल्ट चेक किया था, यहाँ पे उनका CGPA 3.45 समथिंग था, 3.4 था आई थिंक। तो अब उनका CGPA देखें, सेमेस्टर CGPA के बाद कैलकुलेट हुआ तो 3.05 आया है, ठीक है। तो अब CGPA जो है वो चेंज हो चुका है, यहाँ पे इफेक्टिव CGPA अगर आप देखें तो वो भी जो है अब चेंज हो चुका है, 3.3 आ गया है। अब यहाँ पे मैं आपको इफेक्टिव CGPA, सेमेस्टर CGPA और CGPA में भी डिफरेंस बता दूंगी। अभी हम पहले रिजल्ट को देख लेते हैं, उसके बाद ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ताकि आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, और आप इजीली अपने रिजल्ट के अबाउट जो है वो मतलब जान सकें कि हमारा रिजल्ट कैसा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो इनका जो है वो क्रेडिट आवर्स भी कल 15 शो हो रहे थे आई थिंक सो, तो आज देखें इनके अपडेट हो चुके हैं, 30 शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा रिजल्ट जो है ओवरऑल अपडेट हो चुका है। उसके बाद अगर हम जो है सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट देखें तो यहाँ पे देखें कि वो भी जो है वो अपडेट हो चुका है। यहाँ पे स्प्रिंग 2021 के जितने भी सब्जेक्ट्स थे इनके, कल यहाँ तक शो हो रहा था, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट्स जो है स्प्रिंग 2021 के वो भी यहाँ पे शो हो चुके हैं। उनका जो है वो क्या ग्रेड आया है, कितने परसेंटेज आई है, क्या CGPA आया, कौन से सब्जेक्ट में आया, वो सभी यहाँ पे उनको शो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि इस दफ़ा कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो इतना अच्छा नहीं आया, मतलब जितने उनको एक्सपेक्टेशंस थी उससे थोड़ा कम आया है, और मतलब इतना अच्छा नहीं आया। तो उनसे मैं यही कहूँगी कि आप लोग ज़्यादा डिसहार्ड मत हों, आप लोग जो है नेक्स्ट जो है अपना बेस्ट देते रहें, मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती। और अगर आपने अभी मेहनत किया और आपको नहीं मिला तो यकीन रखें कि इसका सिलसिला जो है, इसका रिजल्ट जो है वो आपको आगे कहीं पर अवार्ड ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो आज ज़्यादा डिसहार्ड मत हो, इस दफ़ा सभी के साथ, मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो रहा है। तो उनमें अगर आपके CGPA बेटर है तो फिर आप खुश हो जाएं उसमें कि आप एटलीस्ट पास हैं या आपका अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो इस दफ़ा जो है रिजल्ट थोड़ा सा पहले से डाउन है, मतलब सभी का मार्क्स कम है पहले से, CGPA इतना अच्छा नहीं आया, तो आप लोग इस चीज़ को लेकर इतना परेशान ना हो। हो सकता है स्ट्रिक्ट मार्किंग की गई हो या कुछ ऐसा हो जो इतना कम CGPA आया स्टूडेंट्स का, लेकिन कुछ का बहुत अच्छा भी आया है, एंड इस चीज़ को लेके आप ज़्यादा परेशान ना होइएगा। सभी के साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए आप नेक्स्ट के लिए अभी खुद को प्रिपेयर करें और नेक्स्ट CGPA जो है वो अपना मेंटेन कर लें नेक्स्ट सेमेस्टर से, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हम जो है इस सेमेस्टर CGPA देख लेते हैं, देन CGPA एंड इफेक्टिव CGPA, इन तीनों में डिफरेंस आपको पता होना ज़रूरी है। तो मैंने कल की वीडियो में भी थोड़ा बहुत बता दिया था, अगेन मैं यहाँ पे अब इजीली बता सकती हूँ बिकॉज अब रिजल्ट जो है वो अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सेमेस्टर CGPA ये क्या है, 2.72, ये वो CGPA जो इस सेमेस्टर में उनका आया है, ठीक है, मतलब इस सेमेस्टर में जो बन रहा है वो ये CGPA है। अब ये जो CGPA ये अब तक का जो CGPA है ना, उस सबको ऐड करके ओवरऑल जो बन रहा है वो दिखाया गया है। अब ये CGPA कैसे कि लाइक ये जो CGPA है ये सेकेंड सेमेस्टर का है, और जो पहले सेमेस्टर का CGPA था उन दोनों को ऐड करके उनकी एवरेज निकाली गई कि क्या बन रहा है, तो वो उनका 3.05 बन रहा है ओवरऑल अब तक जो बन रहा है, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव CGPA वो CGPA होता है जो आपका इसी सेमेस्टर का रिजल्ट होता तो है, लेकिन इसमें वो मार्क्स भी वो CGPA भी शो करते हैं जो कि
अगर आपके किसी सब्जेक्ट में एफ ग्रेड आया तो उसको शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें उनका 2.72 था, ये उनका सेमेस्टर CGPA, मतलब जिनमें वो सभी सब्जेक्ट्स में पास है उनका CGPA ये बन रहा है। अब ये CGPA यहाँ पे 3.3 है, मतलब ये ज़्यादा है इससे। तो अगर इफेक्टिव CGPA ज़्यादा हो सेमेस्टर CGPA से, इसका मतलब आप यकीन कर लें कि हमारी कोई ना कोई कंपार्ट आई है। जैसे इनका 3.36 है, इससे ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसका मतलब किसी सब्जेक्ट में इनकी एफ ग्रेड आया है। तो यहाँ पे आप देख लें, स्प्रिंग 2021 के रिजल्ट में यहाँ पे इनका एफ लगा हुआ है। तो इस सब्जेक्ट का जो इफेक्टिव CGPA है उसमें इसका भी ऐड हुआ है, और जो वैसे आपका रिजल्ट बन रहा है वो आपका ये बन रहा है, ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा हो इफेक्टिव CGPA तो क्या होगा कि आपकी कहीं ना कहीं कोई कंपार्ट आई होगी, कहीं ना कहीं कोई एफ ग्रेड लगा होगा, ठीक है। तो ये इन तीनों में मेन डिफरेंस है। और उसके अलावा क्रेडिट आवर्स का मैंने आपको बता दिया। क्रेडिट आवर्स आपने अगर चेक करने हो तो आप अपना जो है वो स्टडी स्कीम में जाके देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के आप अपना सॉरी स्टडी कोर्सेज में जाके आप अपना देख सकते हो। आपको वहाँ पे जो है आपके जो सब्जेक्ट वाइज क्रेडिट आवर्स हैं वो शो हो जाएंगे, तो वहाँ से आप इनको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, थोड़ा लोडिंग ले रहा है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे स्टडी स्कीम में अगर आप आएंगे तो देखें यहाँ पे आपको ये शो हो रहे हैं क्रेडिट आवर्स। देखें आप फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट्स थे उनके कितने क्रेडिट आवर्स थे, हर सब्जेक्ट के आगे 3-3 लिखा हुआ, 3 क्रेडिट आवर्स थे, ठीक है। अब यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी उनके कुछ सब्जेक्ट्स शो हो रहे हैं, उनके 3-3 क्रेडिट आवर्स थे, यहाँ पे भी उनको शो हो रहे हैं। अब ये देखें उनका इस सब्जेक्ट इस सेमेस्टर में था सब्जेक्ट, लेकिन एफ आया है तो इसलिए यहाँ पे इसका पेंडिंग लिखा गया। ये 3 जो है ये अब उनका, वैसे उनके 18 होने थे लेकिन उनके 15 है, आपने यहाँ पे देखा होगा कि उनके 15 है। तो ये अब इस सेमेस्टर मतलब यहाँ से आप अपना देख सकते हो कि कितने क्रेडिट आवर्स बन रहे हैं और हमने कितने अर्न किए हैं। तो यहाँ पे जैसे इनका ये आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 33 होने चाहिए थे। तो यहाँ से आप अपना क्रेडिट आवर्स भी देख सकते हो, जो कि आपके अभी सब कुछ ओवरऑल रिजल्ट अपडेट हो चुका है। एंड इसके अलावा मजीद कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आपको दे दूं। और मज़ीद आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि उसमें उसको भी जो है वीडियो में कवर कर दूँ, आपको समझा दूँ। एंड फर्दर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।